5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। असम और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण यानी 6 अप्रैल को होने वाले मतदान का इंतजार है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। तो आज पूरे दिन क्या कुछ रही हलचल, देखें यह रिपोर्ट। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में से 4 में आज चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से थम गया। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर आज शाम को प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन यहां की 203 सीटों पर अभी प्रचार चल रहा है। यहां अलग अलग चरण में 29 अप्रैल तक वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटें, असम की 40 और बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग होगी। असम और बंगाल में इससे पहले 2 चरण में वोटिंग हो चुकी है। असम में पहले चरण में 47 और दूसरे चरण में 39 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि बंगाल में दोनों चरण में 30-30 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, इसलिए सबसे ज्यादा हलचल दिखाई दी। हर दल के नेता अपना दमखम दिखाने में जुटे रहे। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में चुनावी हुंकार भर रहे थे। बंगाल में ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ अपने अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुटे रहे। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे, तो तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में रोड शो किया। असम में 24 घंटे की रोक के बाद हिमंत बिस्वा सरमा भी रैली करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। डीएमके के साथ प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटा दिया था। अब इस सभी गहमा गहमी के बीच आज राजनेताओं की ओर से जनता के बीच जाने का आखिरी मौका था, और अब 6 अप्रैल का इंतजार है। इसके बाद अब किसकी किस्मत में जीत और किसकी किस्मत में हार होती है, ये तो 2 मई के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।